आज के इस लेक्चर में हम पार्टिकल फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इसे आज हम डिस्कस करेंगे। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसे डेवलप किया है CERN यानी यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा। ये डेवलप क्यों किया है तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टिकल फिजिक्स है उसके अंदर हम लोग चार तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वीक और ग्रेविटेशनल। इन सब में एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, उनके एक्सचेंज होने की वजह से ही हमारे पास ये इंट्रैक्शंस अराइज हो रही हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये हमारे पास ग्लियोन्स के एक्सचेंज होने से अराइज होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो ये W और Z बोसोन्स के जो एक्सचेंज होने से जो है अराइज होता है। ये सब एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, ग्लियोन्स है, फोटोन्स है, WZ बोसोन्स है, ग्रेविटॉन्स हैं, ये एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं। इनमें से कुछ एक्सचेंज पार्टिकल्स का तो मास एग्जिस्ट करता है और कुछ का नहीं करता। जैसे हम बात करें WZ बोसोन्स, तो WZ बोसोन्स का एक हैवी मास है। मास कितना है? 100 टाइम्स देन मास ऑफ प्रोटॉन। जबकि फोटोन्स की बात करें और ग्लियोन्स की बात करें, न्यूट्रिनोज की बात करें, तो इन सब का जो है मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मास नहीं है इन सब का। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ का मास है कुछ का मास नहीं है, ये मास आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? तो हम जानते हैं कि मैटर ऑक्यूपाइज मास, ठीक है, मैटर ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो ये मास जो है वो आता कहाँ से है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी का आंसर जो है ये देता है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इससे पहले एक्सेलेटर्स और भी आए हैं लेकिन उनका यहाँ पर जो है हिग्स बोसोन्स में इतना डिस्कवरी नहीं हुआ। हिग्स बोसोन की डिस्कवरी हुई है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के द्वारा। तो हम सबसे पहले नाम को स्प्लिट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास नाम आ रहा है। लार्ज दैट मीन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर विद हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी इसलिए कहा है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर ये प्रोटॉन्स को स्मैश करता है। इससे पहले जो हमने LEP पढ़ा है, LEP जो है वो हमारे पास लार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर है। इसकी एनर्जी जो जनरेट होती है वो काफ़ी कम होती है इसके मुकाबले, क्योंकि प्रोटॉन का मास अधिक है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। वो लगभग 1 TeV जो है एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। ये 7 TeV जो है एक प्रोटॉन के द्वारा जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट है हैड्रॉन। हैड्रॉन इसलिए कहा क्योंकि प्रोटॉन्स को स्मैश कर रहे हैं और प्रोटॉन्स किस कैटेगरी के अंदर है? हैड्रॉन्स की कैटेगरी के अंदर है। नेक्स्ट है कोलाइडर। तो हमें पता है प्रोटॉन्स का कोलिजन हो रहा है यहाँ पर और इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा क्वार्क्स और ग्लियोन्स का, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, हमारे पास कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनकी डिस्कवरी अभी होना बाकी है और कुछ डिस्कवरी यहाँ पर हो भी चुकी है। जैसे WZ बोसोन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, हिग्स बोसोन की डिस्कवरी भी 2012 में हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एम क्या है? तो डिटेक्ट करना है इन चार चीज़ों को, हिग्स बोसोन्स, सुपर सिमेट्री, क्वार्क ग्लियोन प्लाज्माज और बी क्वार्क्स। क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, हिग्स बोसोन दैट मीन्स गॉड पार्टिकल्स, जिससे इस कंप्लीट जो है हम बात करें यूनिवर्स को मास मिल पाया, ठीक है, तो वो किसकी वजह से है? हिग्स बोसोन की वजह से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर सिमेट्री। सुपर सिमेट्री का मतलब है एक्स्ट्रा डायमेंशंस। एक्स्ट्रा डायमेंशंस मीन्स एक्स्ट्रा फंडामेंटल फोर्सेस। तो अदर फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं ये जनरेट होते हैं, इसके लिए हमें स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ाई जाती है, स्ट्रिंग थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर सुपर सिमेट्री का जिक्र है, वहाँ पर आप देखेंगे एक्स्ट्रा डायमेंशन के साथ डील तभी हो पाएगा जब एक्स्ट्रा फंडामेंटल फोर्सेज हमें मालूम होंगे। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स का जो है यहाँ पर जो भी जनरेट होंगे यहाँ पे उनको डिटेक्ट करना यहाँ पर इसका काम रहेगा। नेक्स्ट है क्वार्क ग्लियोन प्लाज्मास। ये क्या होते हैं? तो देखो, जैसे ही बिग बैंग थ्योरी हुआ था, बिग बैंग जैसे ही हुआ था उसके जस्ट बाद में क्या है कि क्वार्क्स और ग्लियोन्स जो हैं ये इतने हॉट थे कि आपस में जो है इनका कोलिजन होकर के ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे थे, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, इन सब की डिस्कवरी कैसे हो पाएगी? तो हम अगर बात करें कि बिग बैंग के जस्ट बाद, तो कुछ हमें स्ट्रेंज मैटर जो है देखने को मिला था उस समय, जिसका हमने नाम दिया क्वार्क ग्लियोन प्लाज्मास। नेक्स्ट है बी क्वार्क्स। क्वार्क्स के काफ़ी टाइप्स हैं, हमने पढ़ा है 6 टाइप्स हैं क्वार्क्स के, इसमें से बी स्टैंड फॉर ब्यूटी। सो ब्यूटी क्वार्क्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास डिटेक्टर्स हैं। ये टोटल डिटेक्टर्स जो हमारे पास हैं वो 4 हैं, अलग अलग लोकेशन पर लगाए गए हैं। 27 किलोमीटर जो सर्कमफ्रेंस का जो हमारे पास, जिसके अंदर प्रोटॉन स्मैश कर रहे हैं आपस के अंदर एक जस्ट एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये 4 डिटेक्टर्स के द्वारा डिटेक्ट किया जा रहा है, हर एक का काम अलग है, ठीक है। देखो, ये 4 डिटेक्टर्स अलग अलग पोजिशन पर लगाए गए हैं। सबसे पहला है एटलस। एटलस मीन्स एक टोराइडल शेप का डिटेक्टर है। नेक्स्ट है CMS। CMS क्या डिटेक्ट करेगा? सुपर सिमेट्री डिटेक्ट करेगा।
तो यहां पर CMS का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट म्यून सोलिनॉइड। नेक्स्ट है एलिस। एलिस मीन्स ए लार्ज आयोन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। तो ये जो लार्ज आयन कोलाइडर है, ठीक है, जिससे क्वार्क बिलोन प्लाज्मा प्रोड्यूस होने वाले हैं, लीड आयन्स से कोलाइजन करके हम जो है इसको प्रोड्यूस करवाते हैं, लीड आयन्स जो है इसको कोलिजन करवाते हैं। नेक्स्ट है LHC बी। बी मीन्स ब्यूटी, मैंने आपको बताया ये भी एक डिटेक्टर है। तो चार मेनली जो है डिटेक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और खास बातें, क्रिएटिंग द कंडीशंस जस्ट आफ्टर हैपनिंग ऑफ बिग बैंग। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स को स्मैश करवाते हैं, ये एक हाई बीम आती है जिसकी स्पीड हमने यहाँ लिखा भी है 99.99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और ये सब कुछ -271 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस पर होता है, टेम्परेचर काफ़ी जो है कम होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस हम लोग क्यों इम्पोज कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं 9300 सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगाए गए हैं जो प्रोटॉन्स को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए गाइड करेंगे। अब इतने अधिक क्यों है यहाँ पे, इतना कम टेम्परेचर क्यों रखा गया, ताकि ये सब कंडीशंस जो भी आए वो बिग बैंग के जस्ट हैपनिंग जब हुआ था वो कंडीशंस हम क्रिएट कर सकें, ताकि हमें हिग्स बोसोंस की डिस्कवरी के बारे में पता चल सके। तो इसलिए हम लोग जो है ये सब काम कर रहे हैं। तो ये कुछ खास बातें लिखी हैं मैंने, जैसे एक सेकेंड में जो हेड्रॉन कोलिजन्स हो रहा होगा प्रोटॉन्स का, वो लगभग 600 मिलियन टाइम्स हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें 9300 सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जो है वो प्रोटॉन्स को गाइड कर रहे हैं। सेंट्रो मास एनर्जी प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिजन का कितना होगा, अगर हर एक प्रोटॉन्स 7 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास का जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, 14 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है स्पीड, हर एक प्रोटॉन की कितनी है, 99.99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है ल्यूमिनिसिटी, जो कोलिजन होगा उस समय कितना प्रोड्यूस होगा, लगभग हम बात करें 10^34 ऑर्डर का हमारे पास ल्यूमिनिसिटी प्रोड्यूस है। नेक्स्ट 27 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस का हमारे पास यहाँ बनाया गया है बिटवीन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसका हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं, एक बार हिस्ट्री क्या है इसका, बाकी आपको पता चल गया है कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के ये चार एम हैं और डिस्कवरी हो चुका है हिग्स बोसोंस का 2012 के अंदर, जिसमें पीटर हिग्स को 2013 में नोबल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसका हिस्ट्री। CRN के द्वारा जो डेवलप किया गया था, ये हमारे पास 7 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस का एक टनल जो है वो अंडरग्राउंड यहाँ पर जो है जनरेट किया गया था, और इस सिंक्रोटॉन एक्सेलेटर का नाम था सुपर प्रोटॉन सिंक्रोटॉन, जो कि यहाँ पर एक्सेलेट करवा रहे थे हम लोग किसको, प्रोटॉन, ठीक है, और एंटी प्रोटॉन, इन दोनों का हो रहा था कोलिजन, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट्स टू W एंड Z बोसोंस, और डिस्कवरी भी हुआ है इसका, W Z बोसोंस आर ऑलरेडी डिस्कवर्ड, ठीक है, इन दिस। अब देखिए 7 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस का यहां पर बनाया गया था, प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन को स्मैश करवाया गया, W Z बोसोंस मिले और उनकी डिस्कवरी भी हुई, उनका मास भी मालूम चला, ठीक है, सुपर प्रोटॉन सिंक्रोटॉन 1983। अब इस टनल को, ठीक है, 27 किलोमीटर कर दिया गया, ठीक है, और ये जो सर्कमफ्रेंस मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, ठीक है। 1986 में इसे कन्वर्ट किया गया है किसके अंदर, लार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर, ठीक है, इसके अंदर, बट ये 2000 के अंदर क्लोज हो गया था, ठीक है, और इसे 2008 में लो कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, लो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए इसे कन्वर्ट किया गया लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, वही सेम सर्कमफ्रेंस के साथ 27 किलोमीटर, ठीक है। बट अब यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि LEP को LHC में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, ठीक है, तो इस वाई का आंसर हम लोग नेक्स्ट में देते हैं अभी, ठीक है। यहाँ 2012 में हिग्स बोसोन का डिस्कवरी हुआ, डिटेक्ट हुआ, मास कितना आया, लगभग हम देख सकते हैं 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है। 2013 में नोबल प्राइज मिला इस चीज़ पे पीटर हिग्स को, ठीक है। सो ये आपके सामने रीज़न है LEP को LHC में कन्वर्ट करने का, ठीक है। कारण क्या है, देखिए सिंक्रोटॉन रेडिएशंस जो है प्रोड्यूस होती हैं जब एक चार्ज को एक्सलरेट करवाया जाता है बहुत हाई स्पीड के अंदर, ठीक है। तो बहुत हाई स्पीड यानी कि यहाँ रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला लगेगा, तो एक रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है पावर रेडिएटेड बाय एनी चार्ज पार्टिकल, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो पावर जो रेडिएट किया जा रहा है एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, विच इज एक्सेलरेटेड एट वेरी हाई स्पीड, वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ ए क्या है, रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेशन, और इस फॉर्मूले को बोला जाता है लार्मर फॉर्मूला, ठीक है। अब रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेशन का जब फॉर्मूला कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, वैल्यू पुट किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा टू द पावर 4,
ठीक है। और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक्सेलरेट करवा रहे हैं हाई स्पीड पर, दैट्स व्हाई ई को हम लिख सकते हैं गामा एम सी स्क्वायर, रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगा यहाँ पे, ठीक है। सो गामा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, दैट्स व्हाई पावर लॉस या कह सकते हैं एनर्जी लॉस विद द टाइम इज गिवन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द मास, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का पावर रेडिएटेड और यहाँ पर प्रोटोन का पावर रेडिएटेड, अगर हम देखें तो ये रेशियो हमारे पास कितना आ रहा है, लगभग 10^13। तो जो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस जो होगा वो यहाँ पर कितना है, एनर्जी लॉस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के केस में 10^13 टाइम्स होगा प्रोटॉन का, क्योंकि एनर्जी लॉस इलेक्ट्रॉन में अधिक देखने को मिल रहा है क्योंकि उसका मास जो है वो क्या है, कम है। तो मास कम होने के कारण यहाँ पर जो पावर लॉस है या एनर्जी लॉस है वो हमें अधिक देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है 10^13। दैट्स वाई LEP को जो है कन्वर्ट करना पड़ा है किसके अंदर, LHC के अंदर, ठीक है। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ सिंक्रोटोनिक रेडिएशंस, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पर रिमूव करना था, दैट्स वाई LEP इज कन्वर्टेड इनटू LHC। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में जो हिग्स बोसोन है वो रेस्ट में एक मोड उसका जो डिके होने का है वो इस प्रकार से है कि वो फोटोन प्लस जेड बोसोन में डिके होता है। रेस्ट मासेज आपको गिवन है, हिग्स बोसोन का रेस्ट मास कितना है, 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और जो जेड बोसोन है इसका कितना है, 90 है। एनर्जी बताना है फोटोन जो जनरेट हो रहा होगा उसका कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहां पर इस डिके के अंदर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व्ड है, तो हम दोनों ही लगा लेते हैं यहां पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मोमेंटम जो होगा हिग्स बोसोन का वो बराबर है मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स प्लस में मोमेंटम ऑफ जेड बोसोन्स। अब क्योंकि ये हिग्स बोसोन शुरुआती दौर में रेस्ट पर था जब डिके हुआ था, तो यहां पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0, दैट्स वाई यहां से आ जाएगा पी गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी जेड, और आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हैं कि फोटोन का मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज जेड बोसोन के मोमेंटम के बराबर है, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब हम यहां से लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से जो एनर्जी होगा हिग्स बोसोन का वो बराबर है एनर्जी फोटोन का जो कि हमें फाइंड आउट करना है, एंड प्लस में एनर्जी ऑफ द जेड बोसोन, ठीक है। चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो हिग्स बोसोन का एनर्जी, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द पावर 4, ठीक है, ओके। अब शुरुआती दौर में क्योंकि हिग्स बोसोन का मोमेंटम ही नहीं था, रेस्ट पर था, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, एम एच सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको गिवन भी है, कितना है, 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से पर सी स्क्वायर हटा देंगे, ये हमारे पास एनर्जी के फॉर्मेट में आ गया 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से जेड बोसोन का एनर्जी, जेड बोसोन का एनर्जी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ मोमेंटम ऑफ जेड बोसोन सी स्क्वायर प्लस में एम जेड स्क्वायर सी टू द पावर 4, ये होगा रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द जेड बोसोन। अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से हम देख रहे हैं कि जेड फोटोन का जो जेड बोसोन का जो मोमेंटम है और जो फोटोन का मोमेंटम है दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो इसका आंसर ले सकते हैं अंडर रूट ऑफ पी गामा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, या हम ऐसा लिख सकते हैं पी गामा सी इसका होल स्क्वायर एंड प्लस में हो जाएगा एम जेड स्क्वायर सी टू द पावर 4, ओके। और एनर्जी जो होगा फोटोन का ये कितना है, क्योंकि रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, दैट्स वाई एनर्जी हो जाएगा ई गामा इज इक्वल टू पी गामा इंटू सी। अब क्योंकि पी गामा सी का वैल्यू हमें मिल गया है तो हम इसको ले सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई गामा स्क्वायर प्लस में एम जेड स्क्वायर सी टू द पावर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, ये तो स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो इसको एक तरफ रखते हैं ताकि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो हम यहाँ से ई एच माइनस ई गामा ये एक तरफ रखते हैं एंड दिस इज इक्वल टू ई जेड विच इज अंडर रूट ऑफ ई गामा स्क्वायर एंड प्लस में एम जेड स्क्वायर सी टू द पावर 4। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इस रूट को हमने यहाँ से हटाना है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा ई एच स्क्वायर, ठीक है, हिग्स बोसोन का एनर्जी का स्क्वायर प्लस में ई गामा स्क्वायर एंड माइनस 2 ई एच ई गामा इज इक्वल टू हो जाएगा ई गामा स्क्वायर प्लस में एम जेड स्क्वायर सी टू द पावर 4, ठीक है। ये टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है, फाइंड आउट हमें करना था ई गामा, तो यहाँ से ई गामा का वैल्यू आ गया है, ई गामा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा ई एच स्क्वायर माइनस में एम जेड स्क्वायर सी टू द पावर 4
ठीक है, डिवाइड बाय हो जाएगा 2 ई एच। ठीक है, अब देख लेते सारी वैल्यूज हमें गिवन है। एनर्जी ऑफ द हिग्स बोसोन गिवन है, ठीक है, रेस्ट मास गिवन है, तो हमें एनर्जी भी मालूम है 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कर दीजिए यहाँ पे स्क्वायर, माइनस में रेस्ट मास एनर्जी ऑफ जेड बोसोन कितना है 90, सो 90 का हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय कितना हो गया 2 इंटू में एनर्जी ऑफ हिग्स बोसोन कितना है, ये हमें गिवन है 125। आप इसे सोल्व करने पर आपका फाइनल आंसर जो है लगभग आ जाएगा 30 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन जनरेटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का जो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस है, जिसके अंदर टू प्रोटॉन्स को जो है स्मैश करवाया जा रहा है, तो उसका सर्कमफ्रेंस गिवन है आपको, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्रोटॉन्स, ठीक है, 27 किलोमीटर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास एनर्जी जो है आपको दे रखी है, ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास एनर्जी इज इक्वल टू 14 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से बता भी सकते हैं कि हर एक प्रोटोन का जो एनर्जी रहेगा वो कितना हो जाएगा 7 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप कह सकते हैं 7 × 10^12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और 27 किलोमीटर हो जाएगा 27 × 10^3 मीटर। ओके, आपको ये भी गिवन है कि प्रोटॉन जो है एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, लगभग हम कह सकते हैं कंप्लीटली 99.99%, तो हम मान करके चलते हैं कि स्पीड जो रहेगा किसका, प्रोटॉन का, वो कितना है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10^8 ठीक है मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, यह अभी रुकते हैं, अभी देखिए, अभी आपने फाइंड आउट ये करना है कि प्रॉपर टाइम कितना लगेगा, प्रॉपर टाइम, ठीक है, टू रीच द प्रोटॉन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ दिस टनल। ठीक है, तो एक साइड से दूसरे साइड में टनल में जाने में प्रोटॉन का प्रॉपर टाइम कितना होगा। ठीक है, रिलेटिविस्टिक वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो कितना है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ये एग्जैक्टली जो मैंने माना है, तो प्रॉपर टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा टी अपॉन गामा, एक्चुअल अपॉन में गामा, रिलेटिविस्टिक फैक्टर। अब यहाँ जो टाइम है वो कितना लगेगा, तो देखो एक्चुअल टाइम लगेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना और कितना स्पीड से, तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है 27 किलोमीटर यानी 27 × 10^3 मीटर, एंड डिवाइड बाय कितना स्पीड से, तो 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड से। ओके, नेक्स्ट आता है ये गामा फैक्टर कैसे निकालें, तो देखो हमें एनर्जी दे रखा है ना, एनर्जी हमें फोटोन का मालूम, प्रोटोन का मालूम है, तो एनर्जी अगर प्रोटोन का हमें मालूम है तो यहाँ से आ जाएगा गामा एमपीसी स्क्वायर, है ना, गामा एमपीसी स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, देखिए प्रोटॉन जो है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर इसका रेस्ट मास नहीं होगा, दैट्स वाई यहाँ पर हम इसका मान करके चलेंगे, इसका वैल्यू पी इंटू में सी, पी सी के बराबर मान करके चलेंगे, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ से हो जाएगा एम पी गामा और इंटू में सी और इंटू में ये वाला सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट है ना, ये हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी है। ठीक है, और रेस्ट मास एनर्जी कितना होता है प्रोटोन का, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है प्रोटॉन का, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, वो आपको दे रखा है 7 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 7 × 10^12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से गामा फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो गामा यहाँ से आ जाएगा 7 × 10^12 डिवाइड बाय हो जाएगा 938 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया 10^6। ठीक है, ये गामा का वैल्यू आ गया। अब देखो गामा भी मालूम है, टी भी मालूम है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे और इसके बाद हम प्रॉपर टाइम फाइंड आउट कर लेंगे टू रीच द प्रोटॉन फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ द टनल। ठीक है, सोल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आती है, लगभग बात करूं 12 नैनो सेकंड के बराबर आता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। ठीक, सो ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, कितना एनर्जी रिक्वायर रहेगा एक्सेलरेट द प्रोटॉन्स फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायरिंग द स्पीड ऑफ 0.9 NC। ठीक है, एक चीज और है, देखो कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि सर इसका आंसर जो है ना वो हमारे पास में गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आ रहा, जैसा कि आपने यहाँ बताया था 7 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि स्पीड जो है ना वो 0.99 C ले रहे हैं, इसलिए गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये हमें और अधिक जो इंप्रूव करने की आवश्यकता है, वेरी मच क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट लेने की जरूरत है, तब आएगा ये टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो आपका आंसर गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका कितना आंसर आ रहा है। ओके, सो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर आज का समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।